हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट किए हैं, तो ऑलरेडी हम हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट मेजॉरिटी एनसीईआरटी है, लेकिन वो थोड़े से पुराने हैं। अपडेट करना है क्योंकि एक्सपीरियंस इंक्रीज होने के बाद आप उसमें बहुत कुछ डाल सकते हैं, एमसीक्यू डाल सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है ये भी बता सकते हैं। तो इसीलिए हम फिर से स्टार्ट किए हैं। इस बारी जो हम ज्योग्राफी स्टार्ट करें, पहले हम 11th और 12th का ही स्टार्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि जो सबसे टफ वाला है उसको पहले ही कर लेंगे। तो जिनको लगेगा कि यार इसके बाद तो हमें 9th 10th की करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो तो करे ही नहीं। तो मतलब मैं उनका टाइम बचा रहा हूँ। अगर मैं सेम चीज़ पहले 6th का करता, 7th का करता, और जिनका कॉन्सेप्ट पहले से ठीक है, उनको तो लगता कि यार ये सब तो हमें आता ही है, तो हम पहले 11th 12th का ही कर रहे हैं। इससे फ़ायदा होगा, जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है जिन बच्चों का, वो भी इसको एक्सेस करके फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि साथ में हम लोग एमसीक्यू भी कराने वाले हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम में भी लगभग थोड़ा हल्का वाला एमसीक्यू आएगा, लेकिन आएगा तो बुक से ही ना, तो हम लोग बुक से ही कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम 11th का जो दो किताब है, एक है इंडिया फिजिकल एंड एनवायरनमेंट, उसके अलावा दूसरा किताब है एक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो हम पहले इसको कर रहे हैं क्योंकि इसमें इंडिया रिलेटेड सारा बात है, ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है, इसको हम पहले कवर कर लेंगे, फिर इसको करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें मैं दिखा देता हूँ कैसे हम करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं इसमें चैप्टर कौन कौन है। इंडिया फिजिकल एंड एनवायरनमेंट चैप्टर देखो कौन कौन है। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन चैप्टर में इंडिया के लोकेशन के बारे में हमें डिस्कस करना होता है। सेकेंड चैप्टर फिजियोग्राफी है। फिजियोग्राफी में हम स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी डिस्कस करने वाले हैं, साथ में हम ड्रेनेज सिस्टम भी डिस्कस करना है। ये यूनिट 2 में दो चैप्टर है। स्ट्रक्चर, भारत का स्ट्रक्चर कैसा है, फिजियोग्राफी कैसी है, कौन कौन से लोकेशन मिलते हैं, माउंटेन मिलते हैं, उसके बाद प्लेट्यू मिलते हैं, ये सब है। ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, फिर क्लाइमेट वेजिटेशन एंड सॉयल की बात करते हैं। क्लाइमेट अलग चैप्टर है, नेचुरल वेजिटेशन अलग चैप्टर है, उसके बाद है सॉयल, और एक और लास्ट यूनिट है नेचुरल हजार्डस और डिजास्टर। ये जो चैप्टर है नेचुरल हजार्डस और डिजास्टर, ये अलग एक चैप्टर है। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं, साथ में मैं एमसीक्यू भी कराने वाला हूँ। देखो यहाँ पे आपका चैप्टर है, चैप्टर चैप्टर चैप्टर, उसके बाद जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, उसके बाद लार्जेस्ट लैंड फ्रंटियर विथ इंडिया, उसके बाद थोड़ा सा एरिया पर क्वेश्चन आ जाएगा, स्टैंडर्ड मेरिडियन पे क्वेश्चन आ जाएगा। ये बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से गुजरती है, फिर थोड़ा पॉपुलेशन से रिलेटेड, फिर सबसे बड़ा आइलैंड ये भी यूपीएससी का में आया हुआ है, जो सॉरी बीपीएससी या यूपीपीसीएस में आया हुआ है। तो हम अभी पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, और चैप्टर कैसे है, इसमें क्या क्या है। सबसे पहले एक्सटेंट ऑफ इंडिया, इंडिया एक्चुअली है कहाँ, पूरी दुनिया में इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है, इसमें वो डिस्कस करेंगे कि हम अगर इंडिया बोलते हैं, हम अगर इंडिया बोलते हैं तो इंडिया है कहाँ पे, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मैप डिस्कस करेंगे इंडिया इंडिया का, जिसमें हमको स्टेट दिया हुआ है, स्टेट का कैपिटल दिया हुआ है, बाउंड्री दिया हुआ है इंडिया का, कि कैसे इस यूपी बिहार से कैसे अलग है, कैसे क्या बाउंड्री है। लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल फीचर्स थोड़ा बहुत, क्योंकि मेन फिजिकल फीचर्स तो हम लोग डिस्कस करने वाले किस चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, और इवन थर्ड चैप्टर में भी। ड्रेनेज सिस्टम, साइज की बात करेंगे, इंडिया और उसके पड़ोसी देश कौन कौन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, इंडिया का नाम कई जगह से लिया गया है, जैसे दो वर्ड हम लोग, जैसे हमारा हमारा पॉलिटी है, पॉलिटी में संविधान है, मतलब संविधान से ही पॉलिटी निकला है। तो संविधान का पहला आर्टिकल ही बोलता है इंडिया डैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो दो नाम तो यही से आ गए, एक इंडिया और एक भारत। तो भारत वर्ड कहाँ से आया है, भारत वर्ड आया है क्योंकि वहाँ पे जिस एरिया में, नॉर्थ वेस्ट की बात करते, वहाँ पे एक दुष्यंत थे, किंग दुष्यंत, उनका बेटा था भरत, उनके नाम से भारत पड़ा है। उसके बाद आर्यावर्त भी नाम बोलते हैं भारत को, क्योंकि आर्यंस के नाम से आर्यावर्त। हिंदुस्तान वर्ड पर्शियन बोलते थे, और इंडिया वर्ड इजिप्ट और रोम लोग बोलते थे, ये बात सब याद रखिएगा। उसके बाद लोकेशन देखते हैं, अगर ये पूरी दुनिया का लोकेशन है तो इंडिया का लोकेशन यहाँ पे ये पूरी
पूरा ये पूरा एशिया है, एशिया का लोकेशन। तो इसीलिए इंडिया को हम बोलते हैं, ये अगर ऐसे माने तो इंडिया को बोलते हैं हम साउथ एशियन कंट्री, साउथ एशियन कंट्री। इसीलिए इंडिया किसका मेंबर है, मेन मेंबर है सार्क का। सार्क वैसे डिफंक्ट हो गया है, मतलब वो फंक्शन नहीं करता है सार्क, मतलब नाम नाम का है। तो अगर साउथ एशिया में देखें तो और भी कई देश हैं, इसीलिए ना इंडिया को हम बार बार ऐसे बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि बाकी एशिया में जो मौसम है इंडिया में उसके विपरीत है, बहुत मतलब काफ़ी अलग है। क्योंकि यहाँ पे हिमालय होता है, हिमालय है, हिमालय के कारण क्या होता है कि यहाँ से जो बर्फीली हवाएं आती है, हमने बचपन से ही पढ़ा है कि उत्तर ध्रुव से जो हवाएं आती है उसको हिमालय रोक लेता है। तो इसीलिए हमारा जो मॉनसन है, हमारा जो मौसम है देश का, वो मॉनसून टाइप का है, ठीक है ना, मॉनसून टाइप का है। तो मॉनसून के बारे में हम डिटेल में क्लाइमेट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बस थोड़ा सा लोकेशन देख लीजिए इंडिया के, लोकेशन इंडिया के दक्षिण में क्या है, इंडियन ओशन है, उसके अलावा उत्तर में क्या है, हिमालय है, पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। ये बात थोड़ा ध्यान रखिए, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, क्लियर। और रसिया आपको पता है यूरोप का ही पार्ट है, अफ्रीका का ही पार्ट है, लेकिन जो मॉस्को है, मॉस्को इसकी कैपिटल, कैपिटल यूरोप में है, इसलिए हम इसको यूरोपियन कंट्री बोलते हैं। या कभी कभी हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, की दो कॉन्टिनेंट में ये बसा हुआ है। चलिए उसके बाद इंडिया की लोकेशन की बात करते हैं। तो इंडिया का जो सबसे सदर्न पॉइंट है, देखो दो सदर्न पॉइंट है, एक है मेनलैंड इंडिया का, ध्यान रखिए ये है मेनलैंड इंडिया, उसके अलावा ये है हमारा मेन सबसे सदर्न पॉइंट, ये क्या है 6 डिग्री 45 मिनट पे है, और ये क्या है 8 डिग्री 4 मिनट पे है, मतलब ये थोड़ा और दक्षिण में है। कौन सा पॉइंट है भाई ये? ये है इंदिरा पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं इंडिया का, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो आप बोलोगे इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है सर? तो इंडिया, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है, ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड किसका पार्ट है? देखो हमें दो आइलैंड पता है ना, अंडमान और निकोबार, तो ग्रेट निकोबार इसका पार्ट है। अब अंडमान और निकोबार में कौन कौन से आइलैंड है ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में करना है, क्लियर। तो हम थोड़ा सा ऐसे अरेंज किया हुआ है चैप्टर, उसी हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ पे हम अंडमान और निकोबार को जूम करके सब कराने लगे तो फिर सेकेंड चैप्टर का मज़ा चला जाएगा, क्योंकि हमें एक एक कर बारीकी से समझना है, लेकिन एक एक स्टेप भरना है, जिस तरह चैप्टर का फॉर्मेशन भी उसी तरह से होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें सबसे पूर्वी बिंदु कितना है, अगर भारत का बात करें तो भारत कुछ ऐसा है, पूरी दुनिया का लोकेशन ऐसा है, तो भारत नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, भारत का लोकेशन कुछ यहाँ पे है, ठीक है, भारत का लोकेशन कुछ यहाँ पे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, भारत नदन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में रहता है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, हाँ भाई है। अब लोकेशन ये डिसाइड कैसे होता है पता है आपको? यहाँ से हम एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला जितना डिग्री होता है ना, ये डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट रहा होगा। कहाँ से ये स्टार्ट कहाँ से किए? अर्थ के सेंटर से किए हैं, और ये मतलब इक्वेटर को मान के इक्वेटर से इतना डिग्री उठा हुआ है, और ये वाला है ये पूरा पॉइंट, ये है 37 डिग्री 6 मिनट। अगर सेम ऐसे ही किया जाए, इधर किया जाए तो ये होगा 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर ये किया जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये भी डिफरेंस ऑलमोस्ट कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का डिफरेंस है। ये भी कितने डिग्री का डिफरेंस है? 30 डिग्री का डिफरेंस है। लेकिन ये दूरी दोनों अलग है, काफ़ी का डिफरेंस, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का डिफरेंस है। देख रहे हो यहाँ 2933 है, यहाँ 3214 है, ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर का डिफरेंस है। ऐसा क्यों? क्लियर। हमने देखा जो क्वेश्चन मैंने पूछा कि भाई उत्तर और दक्षिण का और पूरब और पश्चिम का दोनों जो अगर बात करें डिग्री में, तो दोनों 30 डिग्री के आसपास है, तो दोनों 30 डिग्री सेम दूरी होना चाहिए ना, लेकिन दूरी सेम नहीं है। ये यहाँ से यहाँ जो दूरी है ये है 2933, यहाँ से ज़्यादा दूरी है ये है 3214। ये जो डिस्टेंस है, ये वाला यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, ये हमेशा बराबर ही होगा, ये 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है, ये बात याद रखिएगा, ये लगभग बराबर होगा एक दूसरे के बीच अंतर। लेकिन यहाँ पे देखो दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस, यहाँ पे कम है
कम 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 ज्यादा होते होते ज्यादा आ जाएगा, तो कितना ज्यादा आएगा। लेकिन इंडिया अगर इक्वेटर के पास रहता ना, बिल्कुल इक्वेटर के बीच में रहता, तो सेम डिग्री पे, ध्यान देना ध्यान देना, अगर इंडिया इक्वेटर के पास रहता तो सेम डिग्री पे सेम दूरी होता। ये अगर 30 डिग्री पे है 3214, तो ये भी 3214 होगा। अब इन जितना नॉर्थ चला जाएगा ना, उतना ये दूरी बढ़ता जाएगा, ये घटता जाएगा। तो आप बोलोगे कि क्या भैया ऐसा हो सकता है कि इंडिया और नॉर्थ में रहता, और नॉर्थ में रहता तो इंडिया का ये लंबाई 3214 ही रहता, ये लंबाई हो सकता था, ये लंबाई 2800, 2700, 2600 कुछ भी हो सकता था। हाँ ऐसे ही होता है। तो जो देश और नदन साइड में है, उनका लॉन्गिट्यूड का 1 डिग्री, चाहे सेम डिग्री पे डिस्टेंस कम होगा और लैटिट्यूड पे ज़्यादा होगा। समझ में आया ना, यही लिखा हुआ, टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टूवर्ड्स द पोल वेयर एज डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। चलो उसके बाद एक्सटेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, मेनलैंड की बात करें तो, ठीक है। उसके अलावा ईस्ट और वेस्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट में, और वेस्ट में क्या है, गुजरात। अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है और वेस्ट में है गुजरात। तो इसीलिए ईस्टर्न पार्ट में सबसे पहले सूरज उगता है, तो सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पे होता होगा, क्योंकि सूर्य सूर्य ऐसे उगता है ना, ये जो अर्थ मूव करती है, ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट। तो सिंपल समझो, यहाँ पे सन है ऑलरेडी, तो ये पार्ट ऐसे अगर मूव करेगी सन के चारों तरफ, तो ये पार्ट तो सन के पहले नज़दीक आ गया, तो इस पार्ट में पहले सूर्योदय, इस पार्ट में बाद में सूर्योदय, और इसके सूर्योदय और इसके सूर्योदय के बीच टाइम का डिफरेंस है ऑलमोस्ट 2 आवर। 2 आवर क्यों है, क्योंकि 30 डिग्री का डिफरेंस है ना, तो 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट आगे। कोई अगर ईस्टर्न साइड है ना, ईस्टर्न साइड, तो उसका मतलब 1 डिग्री पे 4 मिनट आगे है। वेस्टर्न साइड का मतलब है 1 डिग्री पे 5 मिनट, 1 डिग्री पे 4 मिनट पीछे है, पीछे। जैसे एग्जाम्पल लो, हम ग्रीनविच मेरिडियन है, आपको पता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उससे 82.5 डिग्री आगे है। इसका मतलब क्या, 82.5 डिग्री इंटू 4, 330 मिनट, यानी हम 5.5 घंटा आगे है। याद रखना 5.5 घंटा आगे है किस पॉइंट से, ग्रीनविच। इसलिए इंग्लैंड में अगर 12 बजेगा लंदन में, तो हमारे यहाँ 5:30 का शाम होगा। अगर 12 बजे दोपहर वहाँ रही, तो हमारे यहाँ 5:30 का शाम होगा। उसके अलावा इंडियाज एक्सटेंट फ्रॉम, ये भी पता होना चाहिए आपको, ये इंडिया है, तो इसका जो ये लिमिट होता है, क्योंकि ये 12 नॉटिकल माइल होता है इंडिया का टेरिटोरियल लिमिट, ये पता होना चाहिए, 12 नॉटिकल माइल। उसके अलावा 24 नॉटिकल माइल, और उसके बाद 200 नॉटिकल माइल, ये होता है ना तीनों चीज़, एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन होता है 200 नॉटिकल माइल तक। तो अब क्वेश्चन होता है 1 नॉटिकल माइल कितने के बराबर होता है, लगभग 1852 मीटर, यानी 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। इंडिया पूरे तरह नदन हेमिस्फेयर में है, या आप सिंपल नदन हेमिस्फेयर प्लस ईस्टर्न हेमिस्फेयर कर सकते हैं। और इंडिया का ये तो मैंने बता ही दिया, कन्याकुमारी का कौन सा जगह, केप कैवरिन, और इंदिरा कोल का कौन, जम्मू कश्मीर का इंदिरा कोल पॉइंट, लॉन्गिट्यूड में द्वारका है गुजरात का, और शादिया है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं कि गुजरात में ये जगह है ना, एकदम ये एकदम पर्टिकुलर जगह का नाम अगर पूछे, तो यह है गुहर मोती, और ये जगह आपसे पूछा जाए सादिया कौन सा, की बी थू, याद रखिएगा की बी थू और गुहार मोती, इंदिरा कुल वाला पता ही है। अंडमान और निकोबार में ये देखो, अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वो है 10 डिग्री चैनल, ये याद रखिएगा। यहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार, क्लियर, गल्फ ऑफ मन्नार। उसके अलावा यहाँ पे नारकोंडम आइलैंड है, आपको नारकोंडम आइलैंड, ये एक आइलैंड है, एकमात्र एक्टिव वाला जो है वो कहाँ पे, वैरेन आइलैंड पे के पास है, पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर, ये बात याद रखिएगा। डंकन पास ये वाला है, डंकन पास। ये जो सदन अंडमान, देखो ये दो पार्ट है, नदन अंडमान और सदन अंडमान, ये पार्ट एक साथ है मान लो, और ये है लिटिल अंडमान, मतलब इसको हम ग्रेटर अंडमान बोलेंगे, ग्रेटर में दो है, जैसे आप ग्रेटर बोले ना, ग्रेटर में दो है, नदन सदन,
और एक है लोअर या लिटिल, इन दोनों के बीच एक पास है जिसको बोलते हैं डनकन पास, ठीक है ना। 10 डिग्री चैनल हमने देख लिया, इंदिरा पॉइंट देख लिया, सबसे सदर पॉइंट है कहाँ पे, ग्रेट निकोबार पे है, कार निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, ये लिटिल निकोबार है, ये सब याद रखिएगा। ये तो मैंने बता ही दिया आपको अच्छे से। अब देखो 0 डिग्री प्राइम रेडियन कहाँ पे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। और हमने देख लिया कि 1 डिग्री मतलब कितना डिग्री, कितना मिनट आगे, 4 मिनट आगे। तो इसीलिए देखो यहाँ पे जो टाइम होता है, यहाँ पे जो टाइम होता, दोनों में 2 आवर का डिफरेंस होता, तो इंडिया में ही अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम होता तो कितना बेकार होता, बहुत रेलवे को दिक्कत हो जाती, हर जगह दिक्कत हो जाती, आम आदमी को दिक्कत होती। हम अगर जाते हैं अरुणाचल प्रदेश तो घड़ी का टाइम चेंज करना होता है। इसलिए हमने सोचा इन दोनों का एवरेज लेते हैं, एवरेज कहीं यहाँ पे आया, ठीक है ना, एवरेज ले लेते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से ग्रीनविच से यहाँ का जो टाइम है ना वही पूरा देश का टाइम मान देते हैं, ठीक है, तो कितना 5.5 घंटा आगे है, तो हमने देख लिया। पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया में, 2.42 पॉपुलेशन है, और मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री में भी पॉपुलस हो जाए, और सेंसस के हिसाब से 1.21 मिलियन था, ठीक है ना। बहुत सारे माउंटेन है, ये रिवर, ये सब अगले चैप्टर में हम डिस्कस करें। मरुस्थल है इंडिया में, ठीक है ना, अलग अलग पार्ट, जैसे देखो ये है माउंटेन, ये वाला पार्ट, गैंगेटिक प्लेन, हाईलैंड, प्लेट्यू, घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, कोस्टल रीजन जैसे कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार, ये सब डेजर्ट वाला पार्ट, सेमी एरिड पार्ट, ये सब हिमालय, वो सब सब डिस्कस करेंगे, ये सब नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई यहाँ ये क्योंकि बाउंड है कुछ माउंटेन से, इधर हिमालय आ गया, उसके बाद हिंदू कुश सुलेमान यहाँ पे आ गया, उसके बाद पूर्वांचल हिल्स यहाँ पे आ गया, तो आप देख रहे हो पूरा है और नीचे से पानी है, तो एक अलग ही इन्वायरमेंट पैदा करता है, इसलिए इस सब को हम मिला के इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल देते हैं। इसमें कौन कौन देश है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, यही सब देश हैं, इवन श्रीलंका को भी रख लेते हैं। बाउंड्री की बात करें तो इंडिया का जो टोटल बाउंड्री है, याद रखो ये जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री टोटल कितना है, ये पूरा ऐसे 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 किसी देश से लगा है, ये है 15,200 किलोमीटर। कोस्ट लाइन टोटल कितना है, देखो यहाँ पे आपको डिस्क्रिपेंसी मिलेंगी कहीं कहीं पे, टोटल कोस्ट लाइन बोलता है 7,517, ठीक है ना, 7,517, जिसमें आप इसको भी गिनो, प्लस अंडमान और निकोबार को, प्लस लक्षद्वीप को गिनो। तो अगर इसमें से, क्योंकि आपको पता है अंडमान और निकोबार ही 1952 किलोमीटर का लंबा लेंथ है, तो अगर इसमें 1952 घटा देंगे तो ये लगभग 5,500-5,600 आ जाएगा, 5,500 आ जाएगा, लेकिन आपको अधिकतर जगह मिलेगा कि मेन कोस्ट लाइन है 6,100 किलोमीटर। तो मेन कोस्ट लाइन अगर 6,100 है और ये 2,000 है तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, तो ये हर जगह डेटा मिलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक है ये वाला, कि ये मेन याद रखो कि टोटल है इसमें अंडमान निकोबार का है 1952। सबसे पूछेगा कि सबसे लंबा कोस्ट लाइन किसके साथ है, भाई वो सबसे लंबा किसके साथ है, इसके साथ, अंडमान और निकोबार का। स्टेट पूछे तो गुजरात। उसके बाद नेवर की बात करें तो कुछ मेनलैंड नेवर है, कुछ मरीन नेवर है। मेनलैंड में कौन कौन आएगा, पाकिस्तान आएगा, अफगानिस्तान आएगा, चाइना आएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा, बांग्लादेश। मैरीटाइम नेवर की बात करें तो श्रीलंका आएगा, मालदीव्स आएगा। यहाँ पे देखो ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ये है पाक बे, ठीक है, तो 3 वर्ड है, आप देखो गल्फ बे और स्ट्रेट। स्ट्रेट तो एक रास्ता होता है, वाटर कनेक्टिंग बिटवीन 2 सीज और 2 लार्ज एरिया ऑफ वाटर, एक पार्ट दोनों को मिला दिया। देखो अब गल्फ क्या है, गल्फ को इज अ पोर्सन ऑफ सी डैट पेनेट्रेट्स इंटू इंटू लैंड एंड डीप आईलेट्स इनलेट्स एंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई द लैंड, मतलब सिंपल समझना ये पार्ट है और ये तीनों साइड से लैंड से है, ये डीप पेनेट्रेट किया है जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये क्या है, वे इज लाइक अ गल्फ बट टिपिकली स्मॉलर होता है गल्फ से, जैसे ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, ये कुछ ज़्यादा ही होता है
और ये थोड़ा सा खुला होता है, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू करेंगे, कुछ और एमसीक्यू ऐड करेंगे, और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि क्वेश्चन आंसर का जवाब कैसे देना है, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप लोग अगर ये एनसीईआरटी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और अभी क्या क्या हुआ है, हमने साइंस एंड ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, 9582062485 पे मैसेज करना है। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।